यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें यह आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। यह कार्य असंवैधानिक था और इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्वाभाविक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी देश के संविधान सभा में इस बात को कहा था, बार बार कहा था, आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो उस देश को विभाजन की ओर धकेले। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है, और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका अब जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए।